हेलो, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो लेसन है द सन एंड द विंड, इस लेसन को हमने भी स्कूल पर बनाते वक्त कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है और कौन कौन से जो है लर्निंग आउटकम्स हमने सेट किए हैं। सबसे पहले अगर हम कंटेंट की बात करें तो जो ये लेसन है इसमें एक स्टोरी दी गई है जिसमें कि सन एंड विंड जो है फ्रेंड्स होते हैं और वो जो है दोनों अपनी ताकत प्रूफ करने के लिए एक फार्मर को तकलीफ पहुंचाते हैं, उसको परेशान करते हैं। इस तरीके से ये जो लेसन की स्टोरी है, तो हमने इस लेसन की जो स्टोरी है कंटेंट को देखने के बाद में जो आउटकम सेट किए वो ये है कि स्टूडेंट विल नॉट कंसिडर एनी वन एल्स वीकर देन देमसेल्फ। स्टूडेंट विल लर्न टू नॉट डिस्टर्ब अदर्स व्हाइल एंजॉइंग और प्लेइंग। ये जो है हमारे लेसन के जो है लर्निंग आउटकम्स है, इन लर्निंग आउटकम्स को देखते हुए हमने एनईपी 2020 से दो डोमेन्स को सिलेक्ट किया है जिसमें से पहला है लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट और सेकेंड वन है सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट। इन आउटकम्स और इन डोमेन्स को इन पर काम करने के लिए या इनको डिलीवर करने के लिए हमने इस लेसन में अलग अलग एक्टिविटीज को इंक्लूड किया है जिससे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग का जो प्रोसेस है वो इजी और सिंपल हो जाए और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ये जो एक्टिविटीज़ है लर्नर सेंटर्ड है, ये एक्टिविटीज़ आप आपके स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में ले सकते हो।